जय माँ काली दोस्तों, नमस्कार। अचूक प्राचीन टोटके में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टोटके लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सुखमय और आनंदपूर्वक बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए चावल से जुड़े हुए कुछ ऐसे टोटके लाए हैं जिनका असर बहुत ही तुरंत ही हो जाता है और बहुत ही शीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां हो, नौकरी से जुड़ी हुई परेशानियां हो, विशेष माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये उपाय आप ज़रूर करिए और ज़रूर आप अपने जीवन में अपनाएं। आज हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा वीडियो अगर आपके काम आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति में चावल को अत्यधिक महत्व दिया गया है। चावल को पूर्णता का प्रतीक तथा देवता का प्रिय भोग माना गया है। केवल धर्म कर्म में ही नहीं, चावल का प्रयोग कई प्रकार के तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। चावल के कुछ आसान से ऐसे टोटके हैं जिन्हें आप अपने जीवन में कर अपनी समस्याओं से बाहर उतर सकते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही शीघ्र। आइए जानते हैं चावल के कुछ ऐसे बहुत ही चमत्कारी टोटके। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि ध्यान पूजा करके शिवलिंग की पूजा करें। पूजा में आप अपने साथ लगभग आधा किलो या एक किलो चावल का ढेर लगाकर बैठ जाएं। इसके बाद शिवलिंग की यथासंभव विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बाकी बचे चावल या तो मंदिर में ही दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा लगातार 5 सोमवार तक करने से घर में अखंड लक्ष्मी का आगमन होता है। सभी परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, व्यवसाय से जुड़ी हुई या नौकरी से जुड़ी हुई सभी परेशानियाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो शत्रुओं के लिए, अगर शत्रु बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे और आपके आगे पढ़ने के सभी रास्ते बंद हो जाए तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही लाभदायक यह उपाय होगा। साबुत उड़द की काली दाल के 38 दाने ले और चावल के 40 दाने ले और उन्हें आपस में मिलाकर किसी गड्ढे में मिलाकर दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रुओं का नाम लेते रहें। दोस्तों, इस उपाय को करके आपका शत्रु पूरी तरह नष्ट और बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपके ऑफिस में कुछ परेशानियां चल रही हैं तो सबसे आसान उपाय यह करें आप कि नित्य चावल आप कुछ दिनों तक कौवों को खिलाएं। इससे जल्दी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत ही अचूक और प्रभावशाली यह टोटका है, इसे आप जरूर करें। दोस्तों, यदि आपकी कोई मनचाही मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो उसके लिए अब हम आपको एक चावल का टोटका बताने जा रहे हैं। शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद एक चौकी पर कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। अब कलश में चावल, दुर्गा कास और 1 रुपये डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दें। इसके बाद उसके निकट चौमुकिट दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। इसके 5-10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी मनोकामना जो भी है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी और महा लक्ष्मी से प्रार्थना करें जो भी आपकी आर्थिक समस्या है इसे आप पूर्ण करना चाहते हैं वह अवश्य पूर्ण करें। पितृदोष, जी हाँ दोस्तों, पितृदोष बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसे जरूर दूर करें। अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर लें तथा उसे कौवों को खिलाने के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से घर के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आप प्रत्येक अमावस्या अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, अपने पितरों के लिए अवश्य करें। अगर कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष हो या उसका अशुभ असर तो वह सब खत्म हो जाते हैं, साथ ही रुके हुए काम आपके बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप यह उपाय करते हैं तो पितर आपकी बहुत ही मदद करते हैं। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, जो विपत्ति आने वाली है, उन सभी कामों में पितर आपकी बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बुरे प्रभाव दे रहा है तो चावल का यह उपाय करें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र अशुभ हो या किसी दुष्ट ग्रह की प्रभाव से अपना वो असर नहीं दे पा रहा है तो उसे, उस आदमी को अपना माता से
एक मुट्ठी भर चावल विधिपूर्वक ध्यान लें, इससे हमेशा के लिए चंद्रमा की अशुभता खत्म हो जाती है। मन चाहे इच्छा पूरी करने और समस्त कष्टों से मुक्ति के लिए, अगर इसके लिए आप सुबह किसी शुभ मुहूर्त या पूर्णिमा के दिन चावल को हल्दी में मिलाकर पीला कर लें। याद रखें, चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। आप इन चावलों को किसी मंदिर में जाकर भगवान को समर्पित कर दें और उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। जल्दी ही आपकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाएगी और आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें आप किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में अथवा पूर्णिमा के दिन। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल रंग का एक रेशमी कपड़ा लेकर उसमें पीले चावल के 21 अखंडित यानी कोई भी दाने टूटा फूटा ना हो उस दानों को रखें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी या केसर का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इन दोनों को कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी जी की विधिपूर्वक चौकी बनाएं और उस पर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छुपाकर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर प्राप्त होती है। धन संबंधी मामले में आ रही रुकावट के सभी कारण दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अचूक उपाय है जिनसे बहुत ही शीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। तुरंत ही आपको इसका असर दिखने लगेगा, आपको लाभ प्राप्त होने लगेंगे, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होगी। तो जी हाँ दोस्तों, चावल के जो टोटके होते हैं वह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।